कोविड-19 वायरस हमारे फेफड़ों को प्रभावित करता है और फेफड़ों को ही प्रभावित करती है ट्यूबरकुलोसिस। WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में हर दिन औसतन 4,000 लोगों की मौत सिर्फ ट्यूबरकुलोसिस के चलते हो जाती है। इन्हीं महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हुए हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में वर्ष 2025 तक सतत विकास लक्ष्यों के तहत ट्यूबरकुलोसिस बीमारी को जड़ से खत्म करने का अभियान शुरू किया है। सांस लीजिए। तनवाल जी, आपको ये तकलीफ कब से हो रही है? ये 2-3 हफ्ते हो गए साहब। अच्छा, इसके अलावा और कुछ? हाँ साहब, वो बलगम भी आता है बीच बीच में, खांसी होते हुए 2-3 हफ्ते। हाँ, 2-3 हफ्ते हो गए। आपको साथ में बुखार भी आ रहा है? ना जी, बुखार तो हाँ, रोजाना शाम को थोड़ी बहुत हरहर हो जाती है सर। आपका वजन भी कम हुआ है या भूख कम हुई है पिछले 1-1 महीने में? हाँ साहब, कुछ दिन से वजन कम हो रहा है। तो पनवाल जी, मुझे जो आपके लक्षण है ना, उसको देखते हुए ये लग रहा है कि आपको तपेदिक या TB जिसे हम कहते हैं, वो बीमारी का अंदेशा लग रहा है। ये सब कोई खतरनाक बीमारी तो नहीं? नहीं नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। ये बड़ी कॉमन बीमारी है और हमारे पास पर्याप्त दवाई और इसकी जांच उपलब्ध है। मैं आपकी कुछ जांचें लिख रहा हूँ, आप ये कराइए। पहले तो एक तो हम बलगम की जांच करेंगे, आप बलगम देंगे और हमारे जो माइक्रोस्कोपिस्ट हैं वो इसको देख के आपने बताएंगे कि TB है कि नहीं। दूसरा, आपको एक्सरे का, एक चेस्ट का एक्सरे कराना है जिसको मैं देखूंगा। और दो जांचें और हैं, जिसमें एक तो होगी डायबिटीज़ की जाँच और दूसरी होगी HIV की जाँच। HIV? नहीं, घबराने की कोई बात नहीं। जो भी व्यक्ति यहाँ पर आता है, हम ये सारी जाँचें उन सभी की कराते हैं। उसका कारण यह है कि हम लोग ये देखना चाहते हैं कि कहीं आप इन दोनों बीमारियों से ग्रसित तो नहीं हैं, क्योंकि यदि ये दोनों में से कोई भी एक बीमारी रहती है तो हमें TB का इलाज और दूसरे तरीके से करना पड़ता है और इन बीमारियों की भी दवाइयाँ साथ में चलानी पड़ती हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप ये पर्चा ले जाएं बगल वाले कमरे में, हमारा ये जाँच करा के मेरे को दोबारा से देखें। डॉक्टर साहब, ये ठीक तो हो जाएगा? बिल्कुल, आप निश्चिंत रहिए, आप जाँच तो कराइए पहले। बीते समय में NTCP यानी नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल कार्यक्रम के दौरान TB के मरीजों की जांच और उन तक दवाएं पहुंचाने जैसी कई बड़ी चुनौतियां थीं, जिनकी वजह से TB से ग्रसित लोगों की मृत्यु दर लगातार बढ़ती जा रही थी। लेकिन वर्ष 2020 में नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन कार्यक्रम के तहत डायग्नोस्टिक केंद्रों का विस्तार किया गया, साथ ही नई दवाइयों के साथ उपचार और आहार पर विशेष ध्यान दिया गया। इस अभियान के चलते आवश्यकता अनुसार उत्तराखंड के अलग अलग जनपदों में TB रोग समाप्त करने के लिए केंद्र स्थापित किए गए और अब आधुनिक तकनीकों के आने के बाद TB के मरीज 6-8 महीनों की निःशुल्क दवाई और जांच द्वारा पूरी तरह से संक्रमण मुक्त हो रहे हैं। आज DOTS यानी डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स अभियान के तहत उत्तराखंड सरकार TB के रोगियों की जाँच और दवाइयाँ पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध करवा रही है। देहरादून में स्थापित उच्चतम तकनीक से युक्त अत्याधुनिक लैब अपने 100% सही परिणाम के लिए जानी जाती है। इसके अलावा TB रोग से संबंधित उत्तराखंड की समस्त प्रयोगशालाओं में TB के मरीजों की HIV, BP और शुगर की जांचें भी पूरी तरह से निःशुल्क हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा TB से ग्रसित लोगों के लिए शुरू की गई निक्षय पोषण योजना के माध्यम से उत्तराखंड सरकार TB से ग्रसित लोगों को पोषण युक्त खान पान के लिए उपचार अवधि तक के लिए प्रतिमाह 500 रुपए की धनराशि वित्तीय सहायता के रूप में दे रही है। यही नहीं, संपूर्ण प्रदेश के भीतर किसी भी बीमार व्यक्ति में TB रोग के लक्षण और रोग की संभावनाओं को देखते हुए अगर कोई व्यक्ति रोगी को इलाज के लिए जागरूक करता है और उसे अस्पताल पहुंचाकर उसका इलाज शुरू करवाता है तो इसे फर्स्ट इन्फॉर्मर मानते हुए प्रति व्यक्ति के हिसाब से 500 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। हम अपने उत्तराखंड को TB मुक्त कराना है, इसलिए हमें अब अपने आसपास जो भी हमें मरीज मिलते हैं TB के, हमें उन्हें अस्पताल लाकर पहुंचाना है। सरकार हमें उसके तौर पर प्रोत्साहन के तौर पर हमें 500 रुपए देती है हर मरीज के, जिससे कि हम अपना उत्तराखंड भी मुक्त कराना है TB से, साथ ही मरीजों का भी भला हो सके। इसके अलावा TB मरीज तक दवाइयां पहुंचाने वाले DOTS प्रोवाइडर को भी प्रोत्साहन राशि मुहैया करवाई जा रही है। इस मिशन में अब सरकार की ओर से प्राइवेट डॉक्टर्स को भी शामिल होने के निर्देश दिए गए हैं।
जो अब अपने यहाँ आने वाले टीबी मरीजों का संपूर्ण ब्यौरा पोर्टल पर नियमानुसार भेज रहे हैं, और इसके लिए हर प्राइवेट डॉक्टर को भी मरीज के इलाज की शुरुआत और इलाज के आखिरी में प्रतिरोगी के हिसाब से 500-500 रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रदान किए जा रहे हैं। यानी अब सरकारी चिकित्सकों के साथ साथ उत्तराखंड के प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे चिकित्सक भी सरकार के इस मिशन के लिए समर्पित भाव से कार्य कर रहे हैं। मैं नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम के साथ जुड़ा हुआ हूँ फॉर लास्ट 7 to 8 years, और हम लोग निक्षय में रेगुलरली इसमें अपडेट करते हैं अपने पेशेंट्स के बारे में। और मैं यही कहना चाहूँगा कि सारे के सारे जो डॉक्टर मित्र हैं मेरे, सारे डॉक्टर्स, जो भी पेशेंट ट्यूबरक्लोसिस का आता है उसको वो लोग इस निक्षय पे ज़रूर उस पर इन्फॉर्म करें, इन पेशेंट्स के बारे में सारा डेटा देना चाहिए जिससे कि इनकी ट्रेसिंग और इनका ट्रीटमेंट कम्प्लीशन में हेल्प मिले। उत्तराखंड के समृद्धि के लिए हमें टीबी पेशेंट्स की गिनती कम करनी है, तो इसलिए हम लोग सारे पेशेंट्स को मुफ्त दवाइयाँ और जाँचों में भी ये हेल्प करते हैं इस प्रोग्राम के द्वारा जुड़ करके। टीबी के मरीजों को समय से दवा और जाँचों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से उत्तराखंड के हर क्षय रोगी से जुड़ी छोटी बड़ी गतिविधि की ऑनलाइन ट्रैकिंग निक्षय पोर्टल से भारत सरकार द्वारा की जा रही है। इस उपक्रम से सरकार के पास क्षय रोग से संबंधित सही आंकड़े भी उपलब्ध हो पा रहे हैं। टीबी की आम दवा से ठीक न हो सकने वाले टीबी के गंभीर मरीजों की स्थितियां संभालने के लिए नोडल DRTB यानी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी सेंटर बनाए गए हैं, जहाँ टीबी के गंभीर मरीजों को 15 दिन से 1 महीने तक के लिए भर्ती किया जाता है, जहां इन्हें विशेषज्ञों की देखरेख में रखकर, जहां इनका इलाज और खानपान पूरी तरह से निशुल्क होता है। और ये महत्वपूर्ण केंद्र गढ़वाल मंडल के लिए जॉली ग्रांट में और कुमायूं मंडल के लिए हल्द्वानी स्थित सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज में स्थापित किए गए हैं। आज उत्तराखंड सरकार स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से प्रदेश के हर नागरिक तक टीबी का पूरी तरह निशुल्क और सुविधाजनक जाँच एवं इलाज पहुंचाने का कार्य सफलतापूर्वक कर रही है। मेरा प्रदेश की सभी जनता से यही अनुरोध है कि यदि आपको अपने आसपास कोई टीबी के लक्षण युक्त व्यक्ति दिखते हैं तो कृपया उन्हें नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जांच के लिए भिजवाएं, जिससे उनका उपचार तत्काल किया जा सके। हमारा संकल्प टीबी मुक्त उत्तराखंड, टीबी हारेगा देश जीतेगा। उत्तराखंड राज्य में टीबी के 5,500 जो केसेस हैं हमारे प्राइवेट सेक्टर से चिन्हित होते हैं प्रत्येक वर्ष, और हमने ये देखा है कि पिछले साल में करीब बढ़ के 6,000 के करीब हो गए हैं। तो सभी प्राइवेट चिकित्सालयों से मेरा निवेदन है कि कृपया इन सभी मरीजों की निक्षय पोर्टल में ID क्रिएट करें, ताकि इन लाभार्थियों को सरकार द्वारा जो 500 रुपये उनको पोषण की धनराशि दी जाती है उन सभी को मिल जाए। और हमें बहुत हर्ष हो रहा है कि हमारे जितने भी प्राइवेट चिकित्सालय हैं उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लिया है और हमारे बहुत केसेस को इन्होंने चिन्हित किया है। इसके लिए हम सभी प्राइवेट चिकित्सालय का आभार प्रकट करते हैं और हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप इसी तरह से हमारा सहयोग देते रहें, क्योंकि हमें टीबी को हराना है ताकि हम देश को जिता सकें। आज उत्तराखंड में 95 टीबी यूनिट और 154 निजी और सरकारी जांच केंद्र और प्रयोगशालाएं लगातार ट्यूबरक्लोसिस के संक्रमण से लोगों को मुफ्त में जांच और इलाज मुहैया करवा रही हैं। अरे आइए आइए गणवाल जी, कैसे हैं आप? तो पहले से और तंदुरुस्त लग रहे हैं जी। धन्यवाद डॉक्टर साहब। चलिए मैं एक बार आपको एग्जामिन कर लेता हूँ, सांस लीजिए। अरे वाह, आपकी तो रिपोर्ट भी मैंने देखी है, अब तो किसी तरह के जीवाणु दिख नहीं रहे हैं। जी जी, बहुत ही अच्छी बात है। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत बढ़िया। वजन भी आपका मेरे ख्याल में बढ़ गया होगा। बिल्कुल, मैं स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ और अच्छी खासी भूख भी लग रही है। आपने दवाई छोड़ी तो नहीं? अरे नहीं डॉक्टर साहब, ऐसे कैसे हो सकता है, और मैंने आपके कहने पर भी सिगरेट पीना भी छोड़ दिया है। बहुत अच्छी बात है। अच्छा कंडवाल जी, एक चीज और बताइए, क्या आपको समय से दवाइयाँ और समय से आपको पैसे मिलते रहे? जी बिल्कुल, जब मैं दवाई लेने गया तो उसी वक्त उन्होंने बैंक संबंधित सूचना मुझसे ले ली थी और मुझे लगातार 500 रुपए मिलते रहे। बहुत ही अच्छी बात है। मैं आशा करता हूँ आप आगे भी अपने अगल बगल कोई भी व्यक्ति इस तरह की बीमारी से ग्रसित हैं, अब तो आपने सब कुछ देख लिया है, तो आप जरूर उनको हमारे स्वास्थ्य केंद्र का पता बताइए, जिनको आने के लिए आह्वान करिए। जी बिल्कुल, मैं सिर्फ अपने परिवार में नहीं, अपने आसपास के लोगों भी अगर किस तरह के लक्षण दिखते हैं तो मैं उन्हें कहूँगा
कि तुरंत अस्पताल में संपर्क करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उत्तराखंड के सभी भाई बहनों से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर आपको भी खांसी के इस तरह के लक्षण दिखाई दें, जिनको दो हफ्ते से ज्यादा खांसी हो या पसीना आता है, सांस लेने में दिक्कत है, बलगम में कभी कभी खून भी आता है या लगातार बुखार रहता है, तो ये लक्षण टीबी के हो सकते हैं। तुरंत अस्पताल में जाकर जांच करवाइए, नहीं तो आप आशा कार्यकर्त्री को भी जाकर बता सकते हैं, जो आपकी सूचना राज्य स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचा देगी। ये पहला कदम है आपके स्वस्थ होने की ओर। जी हाँ, यह आप सभी को समझना जरूरी है कि टीबी एक संक्रामक रोग है जो सांस लेने से फैलता है। हर एक टीबी के मरीज की ये पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वे टीबी को एक से दूसरे को फैलने न दे। इसके लिए वो क्या कर सकता है, उसे दो चीजों का ध्यान रखना है। एक तो जब उसका ट्रीटमेंट शुरू हो उसको मास्क जरूर पहनना है। दूसरी चीज जिसका ध्यान रखना है कि जो बलगम आता है उसको मिट्टी में दबाया जाए, यदि हो सके तो उसे दूसरे कमरे में सोना चाहिए और उसके साथ कोई छोटा बच्चा या कोई भी व्यक्ति उसके साथ न सोए जब तक कि इलाज चल रहा है। उत्तराखंड सरकार क्षय उन्मूलन के लिए कटिबद्ध है। मैं प्रदेश की जनता से आह्वान करता हूं कि वह हमारे स्वास्थ्य केंद्रों में आए और जो मुफ्त इलाज और जांच हमारे स्वास्थ्य केंद्रों में दिया जाती है उसका फायदा उठाए। आज कोविड-19 महामारी ने ट्यूबरक्लोसिस से निपटने के प्रति अपनाई जाने वाली वैश्विक रणनीति को भले ही प्रभावित किया हो, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि हम टीबी की दवाइयों का नियमित सेवन कर अपने कमजोर होते शरीर को कोरोना से लड़ने के लिए मजबूत बनाकर अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित रखें। मैं सहयोगिनी का काम कर रही हूँ टीबी के पेशेंटों के लिए, जिसमें मैं आपको अपना ही अनुभव बताना चाहूँगी कि मैं भी एक टीबी पेशेंट रह चुकी हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको दवाई पूरी लेनी चाहिए, क्योंकि आप जब भी आप दवाई पूरी लोगे, कोर्स कम्प्लीट करोगे, तभी जाके आपका जो है कि सही मायने में आपका ये सफल होगा। जो भी टीबी मरीज हैं या जिनका इलाज चल रहा है, वो अपना इलाज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके करा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे अच्छी दवाइयाँ भी मिलती है पूरा कोर्स की, और वो भी मुफ्त। और आपको प्रोत्साहन के लिए जो धनराशि है 500 रुपये प्रति माह, वो भी आपको दिया जा रहा है। विस्तृत जानकारी के लिए केंद्रीय हेल्पलाइन नंबर है 1800-11-66-66। इसके अलावा उत्तराखंड सरकार के हेल्पलाइन नंबर 104 पर भी कॉल करके आप क्षय रोग से संबंधित अधिक जानकारी ले सकते हैं। उत्तराखंड सरकार का है ये प्रण, क्षय रोग से मुक्त हो उत्तराखंड का जन जन। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तराखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। टीवी हारेगा और उत्तराखंड भी जीतेगा।